भीमो भीमो कैसा भीम? तो भाई भाई घर तूने 3 महीने हमको रहने दिया, यहाँ की हर चीज को मिस करेंगे भाई, लव यू। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो महाराष्ट्र, हेलो लोनावाला। तो भाई मैं आज आ गया हूँ फाइनली लोनावाला, और जो रेलवे में नौकरी करते ना भैया उनके घर पे था, ठीक है। तो अभी जस्ट उठा हूँ, सुबह के बज चुके हैं 6:30। अब हम लोग निकल रहे हैं बाइक से एमबी वैली, और भीम है ना लोनावाला में रहता है। कोशिश ही कर सकता हूँ मिलने की, बहुत याद आ रही है मुझे ना। आज का पूरा ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग लास्ट तक देखना तो आपको भी समझ में आएगा हम सामान क्यों लेके जा रहे हैं घर पे। गाइस चाय आ चुकी है। गुड मॉर्निंग अलका भैया। गाइस चाय वाय पी के नीचे आ गए हल्के भैया में। तो अब हम लोग निकल रहे हैं सामान लेने, तो है ना आज का लास्ट व्लॉग होगा यहाँ का, तो देख लेना भाई, फिर पता नहीं कभी देखना ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो मैं कभी नहीं आऊंगा इधर, क्या लेने आऊंगा। और अभी हम आ गए टाइगर पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं आपको थोड़ा शोर दे देता हूँ यहाँ का। रुकेंगे नहीं क्योंकि लेट हो रहे, आते समय रुकेंगे यहाँ पे ना। फाइनली एंटर हो चुका हूँ बंगले के अंदर। अब अपना बंगला तो बोल नहीं सकते, यह सेठ जी का बंगला, क्योंकि अपना यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, एक भी चिकू नहीं बच रहा है। और आम की केरियां जरूर दिख रही है बड़ी बड़ी, भाई आम तो बहुत बड़े हो गए, अंकिता के फेवरेट आम थे, इतनी सेवा करता था आमों की पूछो मत, मतलब हमेशा भाई यार अंकिता खाएगी, बड़े होंगे अंकिता, बहुत शौक है आमों के। हमारे जाने के बाद में पूरी हालत ही चेंज हो गई, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं, पर अपने को क्या है, ये मेरा घर। लास्ट बार सीन देख लो गाइस एमबी वैली का आप लोग, हम अभी चले जाएंगे हमारे सामान लेके। तो भाई मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे काफी टाइम से, ये बोलो सांपने भी उग गई यहाँ पे, वो पूरी लाइटिंग टूट गई, पे काम करने वालों के भी मजे उठ गए होंगे, जिसने गेम खेला उसके भी मजे उठ गए होंगे, लेकिन अपने को क्या है भाई, अपन तो अपनी ईमानदारी से जॉब करे, ईमानदारी से जॉब छोड़ के जा रहे हैं। ये देखो पूरी धूप खराब हो गई, लेकिन कोई नहीं देख रहा है इसको, लेकिन बहुत मिस करूंगा इस फार्म को। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने मेरे भीम को पाला है यहाँ पे, मेरे बेटे को पाला है मैंने यहाँ पे, और ना उसकी कुछ चीजें दिखती है ना बहुत ज्यादा दिमाग पे हट करती है। देव गाय जी हमारी भीम की हड्डी पड़ी है, बहुत खेलता था इसके साथ में वो, क्या ही बोलो यार, बस भीम की याद आ रही है मुझे, बाकी यहाँ पे कोई चीज याद नहीं आ रही। अंकिता को मिस कर रहा हूँ मैं, कब वो आती तो अभी वो भी देख के चले जाती लास्ट बार की हाँ 4 महीने हमने एमबी वैली में बिताए थे बहुत मस्त, मतलब। तो मेरा लॉक तो टूटा हुआ है, दूसरा लॉक लगाया हुआ है इन्होंने, ये देखो ये दूसरा लॉक लगा हुआ है, ये टूटा हुआ है। ये जंगल जिसमें हमेशा की तरह चिड़िया चहकती रहती है, आज भी चहक रही है, कुछ तो दुश्मनों की वजह से गया है, कुछ इसमें जब हम यहाँ से गए तो उनको मौका मिल गया सेठ को बहकाने का, कि वो लोग तो आपका कहना ही नहीं माने, आपने छुट्टी नहीं दी तो भी चले गए, अगर मेरे हाथों में और बाजुओं में दम है ना मैं कहीं भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें भीलवाड़ा की राजनीति भी है, जिसमें से सारी फैमिली अच्छी, लेकिन एक दो इंसान ऐसे हैं जिनकी बहुत बड़ी साजिश थी भाई मस्तराम को कैसे भी करके निकाला जाए। तो अंकल जी कैसा लगा एमबी वैली का सीन? एक नंबर। और गाइस ये आ गए बंदर, आप देख सकते हो, अरे भाग क्यों रहा है भाई, खा खा आराम से खा। गाइस बंदरों के बीच में चल रही है लड़ाई। तो भाई फाइनली आ गया हो भैया, तो अब लोग खोलते हैं कमरे का। चलो गाइस फाइनली आज 15 दिन के बाद में मेरे कमरे पे आया हूँ, जो है तिरुपति बालाजी। तो अलमारी खोल दी, अब ये सारे कपड़े कंबल और कुछ बर्तन है मेरे इसमें गिने चुने, तो वो खाने पीने का सामान। गाइस सामान पैकिंग हो चुका है, इसमें तो अंकिता के मेरे कपड़े है खाली इतने बड़े बैग में, तो और इसमें थोड़े थोड़े सामान जैसे हमारे छोटे बहुत बर्तन थे, और खाने पीने का सामान है, आटा है इसमें, आटा तो मैं किसी को देके जाऊंगा। लास्ट सीन देख लो भाई यहाँ का, फिर तो मुझे नहीं लगता इस बंगले पे तो मैं लाइफ में कभी आऊंगा, वैसे घूमने में तो कभी भी आ सकते हैं। तो बाय बाय घर, तूने 3 महीने हमको रहने दिया, यहाँ की हर चीज को मिस करेंगे भाई, लव यू। गाइस सामान वामान सारे सब कुछ रख लिए, इस गाड़ी में भर दिए भाई, भैया वाली में 126 में रहते हैं ये। मैं सोच रहा था कि रोहित के मम्मी पापा से मिलूंगा, लेकिन मिलना नहीं होगा क्योंकि मैं अलग गेट से जाऊंगा, क्योंकि कार उधर से नहीं जा सकती। तो गाइस रोहन आया मेरे से मिलने, तो रोहन ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते फिर आना जयपुर ते, बाय बाय को पापा मम्मी को सबको लेके ना। तो गाइस फाइनली लोनावाला पहुंच चुके हैं, सामान उतार दिए गाड़ी से, मैं जा रहा हूँ हल्के भैया के घर पे, खाना वाना बन गया तो खाना खा लेते हैं, शाम को है 6 बजे ट्रेन, ठीक है। गाइस हल्के भैया के घर पे आ गए, दही पालक दाल और रोटी की सब्जी बना दी इन्होंने, और चावल भी बन रहे हैं, हल्के भैया भी बैठ गए खाना खाने। गाइस खाना वाना खा लिया हल्के भैया के घर पे, अब मैं जा रहा हूँ भीम को देखने, तो उनके घर पे जाऊंगा, भीम मिलता है तो ठीक है। तो गाइस फाइनली मैंने भीम को ढूंढ लिया और सही जगह पे आ गया मैं, वात्सल्य निवास। नहीं नहीं उससे मिलने आया हूँ खाली, एमबी वैली वो मैं ही रहता था वहाँ पे। तो गाइस वेटिंग के लिए बोला है यहाँ पे, इसलिए मैं तो भीम का वेट कर रहा हूँ, मेरा भीम दिख जाए मुझे बस, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि तुम भीम को लेके जाओ, तो अभी भीम को लेके जा रहा हूँ भाई मैं। नहीं हमारा भीम आ गया है भाई, इतना भोगता है कि ये कुत्ते। भीमो भीमो कैसा भीम? तो इसका खाना पीना कहाँ है, वो लेके जाता हूँ ना। आप कहाँ से हो? झारखंड से। ये पट्टा लेके जाऊँ मैं, सही रहेगा मेरे को गाड़ी पे रखने के लिए।
तो गाइस फाइनली हमारा भीम आ चुका है। मैडम ने बोला आप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई भीम को लेके जा रहा हूँ बाइक से। बेटा तू भूल गया क्या हमारे को? गाइस मोटा भी हो गया हमारा भीम, देख लो आप, बड़ा भी हो गया मोटा भी हो गया। चलो गाइस आराम कर लेता हूँ, सुबह से थक गया। और अंकल जी ने बोला आप लेके जाओ भीम को, तो मैं लेके जा रहा हूँ इसको। और अब जयपुर मिलते रहेंगे, भीम से बातें करेंगे मस्त, और सारी बातें आपको जयपुर जाके शेयर करूंगा। शाम को ट्रेन है मेरी। गाइस बच्चे खेलने लगे भीम के साथ में, ये आ गए आंटी अंकल के। आज पहली बार देखा है ना तुमने भीम को? कैसा है, अच्छा है ना? गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और अभी मेरी जस्ट ट्रेन है, तो इन भैया के पास आ गया था मैं, तो यही ट्रेन में बिठाएंगे। और खाना पीने का सामान इन्होंने पैक कर दिया, भीम को भी खाना वाना खिला दिया, तो वो बच्चे खेल रहे भीम के साथ में। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। तो अच्छा लगा अभी आपके साथ में आए, बढ़िया लगा। और आप हमें हेल्प करते हो मेरे, ऐसे करते रहना कि। तो भाई साहब सारे सामान लेके आ गए रेलवे स्टेशन पे, तो भैया छुड़वाने आए, तो भीम बैठा है हमारे नीचे। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ डिब्बे में, उस डिब्बे में बैठा हूँ जहाँ पे हालत हो रही है मेरी अल्लाह एकदम कदे ख़राब। यहाँ पे मेरा सामान पड़े हैं, इधर लेटरिन बाथरूम पास में ही है, तो भीम को भी लेके बैठा हूँ, मेरा आधा सामान उधर बैठा है। लेकिन ये भैया आए आर्मी में, तो कोटा जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी तरफ चलो। भाई यूट्यूबर होने का ये फ़ायदा हो गया कि भैया मुझे पहचान गए, तो थैंक यू भैया। तो गाइस अब मैं आ गया इन भैया की सीट पे, तो ये भैया सब पहचान वाले मिल गए। ये भी जयपुर जा रहे हैं आर्मी में, ये भैया भी आर्मी में है, और ये भी इनके साथ है, इनके पार्टनर है। तो अब इधर मेरा कम से कम टाइम पास हो जाएगा बातचीत करने में, और जयपुर आ जाएगा पास में। भाई उधर तो अकेला बैठा था चुपचाप, ना वीडियो बनाया ना क्या, मैं बैठ जाता हूँ भाई चुपचाप, कुछ वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन अभी इधर थोड़ी हंसी आई अंदर से अपने मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो गाइस मिल बांट के खाना खा रहे हम लोग। भैया चावल पनीर लेके आए थे, ये भैया भी लेके आए थे, मैं भी आलू की और रोटी, आलू की सब्जी और रोटी लेके आया था। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm